एकदू कस्बा में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि गांव के ही युवकों द्वारा छेड़छाड़ करने से परेशान एक 16 वर्षीय नाबालिका ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने दो युवकों को छेड़खानी के आरोप में पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवकों द्वारा परेशान करने पर नाबालिका मानसिक तौर पर परेशान थी, जिसके चलते पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि 9 मई को आरोपी दोनों युवकों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को की थी। उनके बयान के आधार पर निगदू थाना में दोनों लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 10 मई को दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। बहरहाल मानसिक तौर पर परेशान चल रही नाबालिग लड़की ने क्यों फांसी लगाई, पुलिस अभी इसकी जाँच कर रही है। जांच अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि इस मामले में दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर परेशान करने के आरोप लगे थे। पिछले 10 मई को उनको जेल भेज दिया गया था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। FSL की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है, जिनके कारण उनकी बेटी ने यह आत्मघाती कदम उठाया है। इस संबंध में पहले ही एक मुकदमा नंबर हमने दर्ज किया था, जो कल जो नाबालिग लड़की थी वो सुसाइड कर लिया है। उसके जो वारसान जो बयान दिया है उसके मुताबिक कल एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी तथ्य पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर, दो लड़कों पर पहले आरोप लगाया गया था। हाँ जी। वो कौन है सर, क्या करते हैं? वो एक उनमें से ट्रक ड्राइवर है, एक वैसे ही मेहनत मजदूरी का काम करता है। तो अब दोनों लड़के अरेस्ट हैं। दोनों लड़के पहले एक मुकदमे नंबर में दर्ज है, अंदर हैं। तो लड़की मानसिक तौर पर वो उसी से आहत थी? जो उनके पेरेंट्स ने जो बयान दिए हैं कि उसी की वजह से, उन्हीं दोनों लड़कों की वजह से हुए। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया सर? जो कल मुकदमा दर्ज किया गया हमने 305 और 34 IPC के अनुसार कार्रवाई की गई है। तो उसमें और भी कोई हो सकता है आरोपी? अभी तो जांच है, जांच के बाद देखते हैं क्या सामने आता है। आज क्या कार्रवाई चल रही? आज पोस्टमार्टम किया जाए, करने के बाद जो कार्रवाई होगी वो सब परिजनों को सौंप रहे हैं। हाँ जी। पहले से लड़की के बयान पे ही बाकी दोनों को गिरफ्तार किया? नहीं, उनके पेरेंट्स के बयान पे ही। ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।